हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू इंटेना। कंसोलिडेशन मार्केट में किस तरह काम करना चाहिए, ये हमारे सॉफ्टवेयर इंटेना के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ। यानी कि कोई भी मार्केट कंडीशन हो, किस तरह आपको काम कर सकते हो, किस तरह आपको आसानी से डेली 3 to 5 रिटर्न्स आपको कमा के निकल सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर इंटेना के लेटेस्ट वर्जन थ्रू मैं दिखा रही हूँ। ओके, तो मैं सीमा कृष्णा। किसी को डेमो चाहिए तो मेरा नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो 8139033994। उसी के अलावा हमारा नया हिंदी चैनल यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, नया ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वीडियोस हम आपके साथ पहुंचा सकते हैं। ओके, तो इसमें से आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ। ओके, तो अभी देख रही हो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का आज की चार्ट है। तो काफ़ी मार्केट है, यानी कि काफ़ी मॉर्निंग अप्रोक्सीमेट 12 बजे तक मार्केट कंसोलिडेशन था, रेंज में चल रहा था, ना ही ब्रेकआउट हो रहा था। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों उल्टा मोमेंट जा रहा था, यानी कि एक तो बाय दूसरा सेल जा रहा था, ऐसे ऑपोजिट मोमेंट जा रहा था। उसके बाद अप्रोक्सीमेट 12 बजे के बाद ही मार्केट में यानी कि दोनों में यानी कि सेल पकड़े थे। तो आपको मॉर्निंग में इनकेस किसी ने ट्रेड लेते हो तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर किस में ऐसे कैसे काम कर सकते हैं इसमें सक्सेसफुली, तो आपको जानने के लिए मेरा वीडियो एंड तक पहुंच कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डे ब्रेकर लाइन से निफ्टी का आज का ये मार्केट शुरू हुआ था। तो यहाँ पे टोटली दो ही सिग्नल मिला था, एक सेल मॉर्निंग में मिला था 12 बज के, तो उसके बाद एक बाय दिया था। ओके, दोनों ऑटोमेटिक सिग्नल आपको अलर्ट के साथ आए थे, साथ में लेटेस्ट सिग्नल जो भी बनता है उसका डिटेल्स आपको ऊपर नीचे मिलेगा। इसमें से आपको लेटेस्ट सिग्नल बाय दिया था, वो बाय अप्रोक्सीमेट 1:20 में दिया था और 3 टारगेट नीचे मेंशन किया है। तो यहाँ पे बाय कंफर्म नहीं था और कंफर्म हो गया तो लास्ट में, ऐसे सिग्नल कभी ना ले, क्योंकि बहुत एक तो रिवर्स होने के बाद मार्केट कंफर्म होता है ना, वहाँ पे हमेशा मार्केट यानी कि हमेशा मार्केट रिवर्स होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से ऐसे सिग्नल कभी ना ले, सिग्नल बहुत लेट कन्फर्म हुए हो। ओके, तो ऐसे सिग्नल पकड़े जो सिग्नल यानी कि जब कंफर्मेशन तुरंत कंफर्म हो तो अप्रोक्सीमेट 2nd और 3rd कैंडल के अंदर कंफर्म होकर नीचे जा सकते, वैसे सिग्नल पकड़ो वो मार्केट में 3 और टारगेट हिट होने का चांस है। आज यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्निंग में अप्रोक्सीमेट 12 बजे के उसी टाइम सेल सिग्नल दिए थे, ऑलरेडी कंफर्म था क्योंकि पहले से सेल चल रहा था तब सिग्नल आए थे। तो हमारे कंफर्मेशन बार और हमारी जो कैंडल कलर और सब साथ में एक हो गए थे उसी टाइम जब सिग्नल आए थे, तब से ही ले सकते हैं, पहले से मार्केट डाउन चल रहा था। इसके लिए वहाँ से कंफर्मेशन जो हमारा 3 लेवल कंफर्मेशन है, वो भी कैंडल कलर, नीचे का जो बार कलर यानी कि कंफर्मेशन बार की कलर और साथ में प्राइस इन सेल्स ऑन, ऐसे तीनों साथ में चेक करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही सेल्स ऑन में जब जा रहा था तब भी सिग्नल आए थे, तब से वहाँ से हम ले सकते थे, ऑलरेडी पहले से ले सकते थे। तो इसके लिए हमने लिया था 18,163 पे हमने पोजीशन बनाए थे, अभी 18,125, ज़्यादा नीचे नहीं गए, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकलना पड़ा। इस तरीके का मार्केट में हमेशा आप एक ही काम सीखिएगा, हमेशा 20 या 30 पॉइंट्स लेकर तो वहाँ से लॉट बढ़ा के निकलिएगा, क्योंकि मार्केट आपको ऑलरेडी पता है मॉर्निंग से ही कंसोलिडेशन जा रहा था, तो इसकी वजह से ज़्यादा लंबा टारगेट के लिए टाइम ना करें ही वही बेटर है। ओके, तो ऑप्शन लेना है तो भी इसी मार्केट में हमेशा इन द मनी लीजिएगा, इन द मनी में ही एक्यूरेसी है। ओके, तो सेम बैंक निफ्टी देखिएगा, जब निफ्टी वहाँ पे साइडवे दे रहा था बैंक निफ्टी और यहाँ पे बाई सिग्नल देखकर मार्केट में थोड़ा बाई जाना शुरू, कंफर्म भी था फिर भी रिवर्स हो गए थे। और इस तरीके का मार्केट में हमेशा दोनों उल्टा मोमेंट जा रहा हो तो वहाँ से सिग्नल थोड़ा वेट करके ले तो वही बेटर है। थोड़ा सा क्या है, थोड़ा लॉजिक भी इस्तेमाल करके इसमें से मिक्सअप करके किया तो बेटर एक्यूरेसी है। तो इसमें बैंक निफ्टी में बाई दिया था, सर्च निफ्टी में यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्निंग में उल्टा मोमेंट था, तो इसके लिए हमेशा मॉर्निंग में मार्केट लेना ही नहीं चाहिए था। तो इनकेस किसी ने लिया है तो ऑब्वियसली ये सेल हिट हो गया होगा, तो ये सिग्नल ऑब्वियसली हमारा रिवर्स हो चुका है। उसके बाद सेल आए तो सेल काफ़ी नीचे गए थे और ऑब्वियसली 100 पॉइंट के आसपास आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल ऑलरेडी पहले से ही सपोर्ट तोड़ के निकल चुके थे तब भी आए थे, तो वहाँ से जब सिग्नल आए थे तब से ही ले सकते थे 41,401 से काफ़ी नीचे, यानी कि 41,243 तक आए थे
उसके बाद मार्केट साइड में जब दे रहा था तब क्लोज हो गया। ओके, तो सेम उसी के अलावा मैं आपको दिखा रही क्रूड ऑयल की चार्ट भी दिखा रही हूँ। हमेशा द कमोडिटी मार्केट में भी आपको यानी कि एक्यूरेसी से ट्रेडिंग करना है तो 15 मिनट के चार्ट फॉलो कर सकते हैं, 15 मिनट्स में ही एक्यूरेसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट्स में आज क्रूड ऑयल का सिग्नल अप्रॉक्सीमेट 1 बजे आए थे, 1 बजे आए थे तब कन्फर्म नहीं था क्योंकि वहाँ से जब ऑलरेडी हमारा वॉल्यूम बार जब ग्रीन दे रहा था तब कन्फर्म हो चुके थे ये कैंडल में, उसका दूसरी कैंडल ऑलरेडी सपोर्ट तोड़ के निकल रहे थे तब से ले सकते थे 7324 तक मार्केट आया था। अप्रोक्सीमेट हमने 50 पॉइंट्स हासिल किया है और इसमें से 5 मिनट्स आप देख सकते हो, 5 से ज़्यादा बेटर एग्रेसिव 15.5 में देख लीजिएगा। जब सेल सिग्नल पहले कन्फर्म था रिवर्स होने के बाद ही नीचे आए थे, ऐसे मार्केट कन्फ्यूजिंग हो सकता है तो इसके लिए हमेशा 15 मिनट में चार्ट में फॉलो करेंगे तो बेटर एक्यूरेसी है। ओके, तो उसी के अलावा आप फॉरेक्स मार्केट भी देख लीजिएगा, गोल्ड की परफॉर्मेंस आज का दे रही हूँ तो हमेशा फॉरेक्स मार्केट में 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम फॉलोअप करना चाहिए, 30 मिनट्स में ही एक्यूरेसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 मिनट्स में जो बाय सिग्नल अप्रॉक्सीमेट 1:30 बजे जो निकल रहे थे और तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर जो उसका एंट्री पॉइंट टारगेट सब दिया है, ऑलरेडी पहले ही बाई चल रहा था तो आज भी तो बाई चल रहे, नीचे का वॉल्यूम बार यानी कि कन्फर्मेशन बार देख लीजिए कंटिन्यू कर सकते हैं। हमेशा मैंने आपको बताया था जो 1 आवर की चार्ट में यानी कि देखेंगे तो आपको देख सकते हो ऑलरेडी 13 पॉइंट्स अभी प्रॉफिट में हो बाई चल रही हूँ। हमेशा जो टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा के काम करना चाहिए फॉरेक्स में वही बेटर एक्यूरेसी है। इसमें कोई भी मार्केट में यानी कि फॉरेक्स हो, MCX हो, आपको यानी कि आपको कमोडिटी मार्केट हो तो इक्विटी हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, किसी में आपको डेमो देखना है तो आप मेरा नंबर में कॉल कर सकते हैं। सीमा कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।